देखिए, आज मैंने एक रंगोली डिजाइन बनाया है बसंत पंचमी के लिए, जो माता सरस्वती का बनाया हुआ है। आप लोग जब रंगोली बनाते हो, कोई पक्षी हो, पशु हो, या देवा देवी हो, कोई भगवान का रंगोली बनाते हो, तो आप लोग डायरेक्ट पाउडर लेकर रंगोली बनाते हो। लेकिन उसमें से क्या होता है ना, पेंटिंग जो रंगोली बनाते हो वो अच्छा नहीं होता है, सेब अच्छा नहीं आता है। इसलिए आप लोग पहले चौखड़ी या शीशा या पेंसिल से पहले डायग्राम बनाओ, फिर उसके बाद रंगोली पाउडर यूज करके आप रंगोली बनाओ, देखोगे वो सेब अच्छा रहेगा। इसीलिए मैंने ये डिज़ाइन बना रहा हूँ, ताकि आप लोग घर में जब बसंत पंचमी के लिए रंगोली बनाओगे, तो पहले डिज़ाइन बनाओगे पेंसिल शीशा या चौखड़ी से, फिर उसके बाद उसके ऊपर पाउडर डालोगे, तो वो रंगोली बहुत अच्छा रहेगा। आजकल मैंने देखा है बहुत काबिल रंगोली डिज़ाइनर आ रहे हैं, और बहुत तरह तरह की फूल और रंगोली बना रहे हैं, लेकिन जब कोई फिगर बनाते हैं वो फिगर अच्छा सेब नहीं होता है। इसीलिए मैंने ये सरस्वती माता की रंगोली डिज़ाइन बनाया है, और मेरा विश्वास है आप लोग ये रंगोली डिज़ाइन देखकर घर में अपने अपने रंगोली बना सकते हो। तो आइए कैसे बन रहा है देखते हैं। और एक बात मैं आप लोगों को सूचित कर देता हूँ, आप लोग जब मेरा वीडियो देख रहे हो, तो प्लीज़ मेरा रिक्वेस्ट है आपको, ये जो 5.5 मिनट का वीडियो है, उसको आप अगर 1.5 से 2 मिनट देखोगे तो मेरा वीडियो बनाने का मूल्य रहेगा। अगर आप उसको स्किप कर करके और लाइक कर दोगे, 1 मिनट से कम हो जाएगा, तो वो वीडियो काउंटेबल नहीं होगा। इसलिए मेरा रिक्वेस्ट है आप लोगों को पूरा वीडियो देखें।